नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में। इस ड्रग कॉम्बिनेशन का जो फेमस ब्रांड नेम है वो है टैबलेट एम्बुलेक्स। दोस्तों, ये जो ड्रग कॉम्बिनेशन है बहुत ही आजकल इस्तेमाल होता है। ये जो टैबलेट एम्बुलेक्स है ये दो दवाइयों से बनती है। जो पहली दवाई है टैबलेट एम्बुलेक्स के अंदर वो है एल्प्राजोलैम, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई है वो है प्रोपैनोलॉल। एल्प्राजोलैम और प्रोपैनोलॉल मिलकर बनता है टैबलेट एम्बुलेक्स। दोस्तों, ये जो काम आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, यानी कि अत्यधिक चिंता करना, वरी करना, घबराहट होना, पसीना आना, इसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी। दोस्तों, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का नेचर है। आप सभी को, हमको एंग्जाइटी होती है, परंतु जब ये एंग्जाइटी अत्यधिक बढ़ जाती है, हम ज़्यादा सोच विचार करते हैं, टेंशन लेते हैं, घबराहट होती है, पसीना आता है, डेली अपना जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, कोई जॉब पर नहीं जा सकता, कोई अगर स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं सकता, तब ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस का रूप ले लेती है। और एक एंग्जाइटी न्यूरोसिस एक ये बीमारी का रूप है, और इसको ठीक करने में टैबलेट एम्बुलेक्स यानी ये इम्पोर्टेंट ड्रग कॉम्बिनेशन काम आता है। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में, समाज में एंग्जाइटी न्यूरोसिस काफ़ी अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इस कॉम्बिनेशन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट ड्रग कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हम आपको आज विस्तृत से आसानी से बताएंगे। दोस्तों, एम्बुलेक्स टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि यह टैबलेट आपको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। एम्बुलेक्स टैबलेट काम कैसे करती है? दोस्तों, एम्बुलेक्स टैबलेट हमारे ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ नर्व सेल्स है, यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करती है, उनको काम करती है, जिससे कि एंग्जाइटी बीमारी में हमको मदद मिलती है। दूसरा काम करने का तरीका यह है, ये दोस्तों हार्ट और ब्लड वेसल्स, उन पर भी इसका असर होता है, इस ड्रग कॉम्बिनेशन का, जिससे कि हार्ट की जो अत्यधिक हार्ट रेट होती है वो कंट्रोल होती है, और ब्लड प्रेशर भी है कंट्रोल करता है, सामान्य करता है। इस तरह से एम्बुलेक्स टैबलेट काम करता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्बुलेक्स टैबलेट। दोस्तों, वैसे तो ये ड्रग कॉम्बिनेशन काफी सेफ है, परंतु कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स कुछ देखने मिलते हैं, नॉर्मल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि कन्फ्यूजन, मेमोरी इम्पेयरमेंट यानी कि आपके याददाश्त पर इसका असर होना, ड्राउजीनेस, आपको नींद आना, स्लीपी फील होना, हार्ट रेट पर इसका कई बार असर देखने मिलता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, स्लो हार्ट रेट, टायर्डनेस, कुछ लोगों में थकान देखने मिलती है, नाइटमेयर, कुछ लोगों को अत्यधिक बुरे सपने आते हैं, और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथ पैरों को ठंडा फील होता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एम्बुलेक्स टैबलेट्स के जो देखने मिलते हैं, और ये नॉर्मली अपने समय के साथ में धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। दोस्तों, एम्बुलेक्स टैबलेट क्या हैबिट फॉर्मिंग है? जी हाँ दोस्तों, ये हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही आपको ये टैबलेट लेनी होती है। ये टैबलेट अल्कोहल के साथ अनसेफ है, इसलिए अल्कोहल के साथ कृपया इस टैबलेट को मत लीजिएगा। ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट का उपयोग न करें, क्योंकि इससे आपको कई बार ड्राउजीनेस हो सकता है और ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में ये लेना सही नहीं होता। अगर आपको किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, तो दोस्तों ये टैबलेट लेना थोड़ा अनसेफ हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर्स को आपकी कोई भी बीमारी की हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, तो डॉक्टर को जरूर बताना होगा। एम्बुलेक्स टैबलेट का दोस्तों डोज और कितने दिन तक लेनी चाहिए, ड्यूरेशन। दोस्तों, एम्बुलेक्स टैबलेट का डोज एंड ड्यूरेशन आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तो जो डॉक्टर आपको चेक करने के पश्चात आपकी जो बीमारी के लक्षण है, सीवियरिटी है, देखकर ही आपको डोज देंगे, और वो टैबलेट रोजाना एक ही फिक्स समय पर लेनी होती है, ताकि ये सही काम कर सके। और ड्यूरेशन कितने समय लेनी है वो डॉक्टर्स आपको बिल्कुल बताएंगे, ना आप कम लीजिएगा, ना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, एम्बुलेक्स टैबलेट कभी भी अचानक से बंद नहीं करनी है, ये आपको डॉक्टर्स के सलाह पर ही बंद करनी होगी।
दोस्तों आशा करते हैं आज हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस इम्पॉर्टेंट ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में, आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे ताकि लोगों को इस इम्पॉर्टेंट दवाई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये आपको सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करनी है। जो भी आप दवाई लेंगे हमेशा आपके डॉक्टर्स के सलाह पर ही लेनी है, आपके जो भी फैमिली फिजिशियंस हैं उनके सलाह के साथ ही लेनी है। हमारे इस इन्फॉर्मेशन पे आप अपना खुद का ट्रीटमेंट इलाज कृपया मत कीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं डॉक्टर योगेंद्र बोला आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।